सबसे पुराना मंदिर है जी, कन्या रूप में माता रानी ने दर्शन दिए थे इधर, जग भंडारा हुआ था, जय जो कुटिया अपने आप बढ़ती गई थी, जहाँ पे हम भी बैठे हुए हैं, ये वो मेन जगह है जहाँ से सारा शुरू हुई थी, मतलब माता की पूरी कहानी की शुरुआत होती है। जय माता दी भाई सबको। हम आ गए हैं भूमिका मंदिर में, हंसाली गाँव में, पंडित श्रीधर या बाबा श्रीधर जो भी कहें उनके घर में, उस जगह पे, उस कुटिया में, आज जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे खुद माता ने भैरव बाबा को और पूरे गांव को भोजन करवाया था। फिल्म में आपने वो लोकेशन है ना, कहानी में ज़रूर सुना होगा नाम इसमें, लेकिन यहाँ ना टूरिस्ट बहुत कम आते हैं श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा पे आते हैं। पीछे ये यहाँ पूरा यात्रा ट्रैक है हमारे, लेकिन है सिर्फ 1.5 किलोमीटर, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये वो पहली जगह है कह सकते हो कि जहाँ से पूरी जो ये माता की स्टोरी है वो शुरू हुई थी, यानी माता ने सबसे पहले यहाँ पे जो था वो जो था भोजन करवाया था, उसके बाद फिर यहाँ से बाणगंगा, उसके बाद फिर चरण पादुका, उसके बाद अर्धकुमारी, और फिर उसके बाद जो था मेन भवन में जहाँ पे भैरव बाबा का वध किया। तो पूरी यात्रा जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है। तो पहला स्थान है जहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं। तो अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, जो मेन जो चौक होता था फुहारा चौक, आजकल उसका नाम भी चेंज हो गया है, बाबा श्रीधर चौक हो गया, वहाँ से बस बराबर में जो गली है उसमें से आपको आना है, करीब 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है, गूगल के हिसाब से आप आ सकते हैं, और इसकी जो गूगल लोकेशन है वो हम नीचे डाल देंगे। वैसे भी मैप पे अगर चेक करोगे ना भूमिका मंदिर, तो सेम लोकेशन पे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। करीब करीब 1.6 किलोमीटर जो है वो मेन जो कटरा बस स्टैंड है वहाँ से ये पड़ता है, तो यहाँ पे आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं भूमिका मंदिर के, यानी पंडित श्रीधर के, उस कुटिया के, उस घर के, जहाँ ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो शुरू होती है। जय माता दी, चलिए शुरू करते हैं। ये है करीब 1.6 किलोमीटर है जो बाबा श्रीधर चौक है ना, वहाँ से मेन जो कटरा का बस स्टैंड कह लो, और ये सब यहाँ पे आएंगे और मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ से है रास्ता नीचे भूमिका मंदिर में जाने का। ये है नीचे वो जगह, यानी 900 साल का पुराना इतिहास, 900 साल पुराने पहले जहाँ पे पंडित श्रीधर जी हुए थे, जहाँ पे उन्होंने भंडारा करवाया था। ये है वो लोकेशन, देखो ऊपर से कुछ ऐसी दिख रही है। चलिए नीचे चलते हैं और अच्छे से दर्शन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग हैं नीचे आ गए हैं, और इधर है बाबा की कुटिया पंडित श्रीधर का, जो सामने पूरा वो लिख भी रखा है कि यहीं पे वो लंगर करवाया था जहाँ से माता अंतर्ध्यान होकर चरण पादुका, आदि कुमारी, और फिर भैरव बाबा का वध किया और गुफा में पहुँची। ये है, अभी ये दिखाते हैं, उससे पहले दिखाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पानी की धारा है, तो ये धारा भी यहाँ से निकल के जाती है बीच में से, और सामने भोले बाबा हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये है देखो भाई, अब भूमिका मंदिर के अंदर कह सकते हो पूरा, और बड़ी शांति है, मतलब अलग तरह की। वैसे तो अब कई मंदिर बने हुए हैं इधर से भी, इधर से भी, और ऊपर एक भैरव बाबा की कुटिया भी बनी हुई है वहाँ पे की साइड में, वहाँ पे ऊपर पेड़ों के पीछे है, मतलब वो भी कह रहे हैं बाद में बनाई गई है। और ये जो धारा आ रही है पानी की, ये भंडारे के टाइम की है, अभी पास में जाकर दिखाते हैं। और यहाँ पे बनाया है नया मंदिर, जिसका नाम दिया है, मतलब पंडित श्रीधर के नाम पे, बाबा श्रीधर और माँ सुलोचना के नाम पे ये मंदिर जो है ये बनाया गया है। ये देखो उनकी मूर्ति लगा के, ये तो अभी बनाया बाद में कुछ इस तरीके से। ये है पंडित श्रीधर जी और माँ सुलोचना जी, दर्शन कर लो आप भी घर बैठे, और अभी दर्शन कराएंगे आपको मेन उस कुटिया के जहाँ पे वो भंडारा हुआ था। जय बाबा जी। ये देखो भाई, ये प्रसाद मिला है यहाँ से, एक फूल, एक सिक्का और मिश्री, और सामने है पंडित श्रीधर जी की जो मूर्तियाँ बनी हैं। अब वो अभी बड़ी शांति है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे माता की जो स्टोरी है वो, कि कैसे यहाँ भंडारा हुआ, सबको बुलाया, और वो सब स्टोरी जो अभी बताई आपको, ये यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और ये है मंदिर, चलिए पहले मेन मंदिर में दर्शन करते हैं।
ये है जी वो मेन कुटिया जहाँ पे दर्शन माता ने खुद आके भंडारा करवाया था अंदर से। अब देखो इसमें दर्शन कर सकते हो। ये है वो मेन जगह जहाँ पे बाद में मार्बल वगैरह लगाया गया। जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हम भाई मंदिर के अंदर, आप सामने से तो दर्शन कर सकते हैं, बात करते हैं यहाँ पे पंडित जी से मंदिर की कहानी के बारे में। सर बताइए ना कुछ एक बार यहाँ के इतिहास के बारे में और सारी चीजें। सबसे पुराना मेन मंदिर है जी, कन्या रूप में माता रानी ने दर्शन दिए थे इधर। श्रीधर जी को कन्या रूप में माता रानी ने दर्शन दिए थे, इधर जग भंडारा हुआ था। यही जो कुटिया है अपने आप बढ़ती गई थी, जहाँ पे हम भी बैठे हुए हैं। यही वो मेन जगह है जहाँ से सारा शुरू हुई थी, मतलब माता की पूरी कहानी की शुरुआत जो के वैष्णो में। यही वो मेन जगह है भाई, यही वो पुरानी कुटिया है। और मूर्ति की स्थापना शुरू से ही ये साइड जो मूर्ति है ना, और ये आज से 900 वर्ष पहले की है, श्रीधर पंडित जी की पूजा करते। अच्छा, जो इधर वाली जो माता थी वो, अच्छा वो ये वही पुरानी मूर्ति है, पुरानी मूर्ति। और इधर वाली जो है वो बाद में स्थापना हुई है। बाकी यही वो मेन कुटिया है जहाँ से सारे की इधर ही सवा लाख भक्तों ने इसी का पूजन किया था। अच्छा, इधर से बाबा भैरवनाथ जी ने मथुरा पास मांगा था माता, तो इधर से माता रानी का पीछा किया था भैरव बाबा। मतलब माता की जो कहानी शुरू होती है, जिसके अंदर पाण गंगा से शुरू करते हैं, वो असल में भूमिका मंदिर से शुरू होती है। तो ये है वो भूमिका मंदिर। जी जी, जय माता। यहाँ जो ये धारा आ रही है ना पानी की, ये कहते हैं भंडारे के टाइम की है। उस टाइम पे जो पानी माता ने निकाला होगा ये वो वाला है। और सामने वो जो पत्थर वहाँ पे दिख रहा है बस उसके नीचे से है, उससे पीछे नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे कहाँ है। और बस ये यहाँ पे आके, अब तो इस टाइम पे तो बहुत कम है, और आगे इधर ये निकल जाती है। सामने बाबा का मंदिर है और इधर हो गए भूमिका मंदिर। तो दर्शन अच्छे से हो गए भाई, बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी शांति मिल रही है यहाँ पे आके ना। और अजीब सी एक पॉजिटिव वाइब्स तो है ही है। तो यात्रा का पहला चरण है जो हमने कह लो कि आज ही शुरू कर दिया। यहीं से माता ने भी अपनी यात्रा शुरू की थी, यहाँ के बाद फिर बाल गंगा, बाण गंगा, उसके बाद चरण पादुका, फिर अर्धकुमारी, और फिर भवन, और फिर भैरव बाबा। जो पूरी ये यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी की, ये यहाँ से कह सकते हो कि आप शुरू होती है और भैरव बाबा पे जाके ख़त्म होती है। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर दी है। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी पे आएँ यात्रा के लिए, तो आप भूमिका मंदिर में ज़रूर एक बार पधारें, बड़ी आपको शांति मिलेगी। और जैसे ना लाइन में लगने की ज़रूरत है, बहुत कम लोग आते हैं, और आप मंदिर के अंदर तक बैठ के आराम से दर्शन कर सकते हैं, उस कुटिया के अंदर बैठ के दर्शन कर सकते हैं, उस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं जिसको पंडित श्रीधर जी पूजा करते थे 900 साल पहले। तो वो सब आपको यहाँ पे अभी मिलेगा। अगर बहुत भीड़ बढ़ गई तो मे भी बहुत दूर से शायद दर्शन करने पड़े, लेकिन फिलहाल के लिए आप बिल्कुल अंदर बैठ के सामने दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। बहुत मज़ा आया, बहुत शांति मिल रही है सबको। जय माता दी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय माता दी।